ओके गाइस, तो हम फिर से खेल रहे हैं एकदम बैड एस GTA 5 हार्ड कोर 18 प्लस गेम। और ये हम खेल रहे हैं अपने वही पुराने हार्ड कोर बैड एस कैरेक्टर ट्रेवर के साथ। दोस्तों इस गेम का सबसे बैड एस कैरेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा खून खराबा किया है, और इसकी अब तक की जितने मिशन सब बहुत ज़्यादा ही खून खराबा है। मतलब बंदा पूरा क्रेजी है, पूरा पागल है, एक तरह से कहना क्रैक आदमी है, सनकी है, हालांकि किसी को कहीं भी मार देता है। और से बता रहा हूँ इसके जितने मिशन हमने अब तक खेले हैं, मतलब मैंने अब तक खेले हैं, उसमें इसने कमाल का खून खराबा किया है। एक मिशन में तो बंदे ने काम डालने के बजाय कुछ और डालने लग गया था। मैं क्या ही कहूँ, मतलब बस समझ जाओ क्या क्या डालने की कोशिश कर रहा था भाई साहब, वो सीन देख के तो मैं हिल गया था, कमाल का सीन था। और ये क्या, अपने ट्रेवर भैया के घर पे कोई घुस आया था और उसने उनका प्यारा सुपर हीरो का मॉडल तोड़ दिया। राइवल गैंग ने ट्रेवर भैया के घर में की घुसपैठ। ये कौन है, राइवल गैंग से तो नहीं लगता, ये मुंह पे इसने क्या पुतवा रखा है? अरे ये कौन सा चूना है? अरे भाई, अरे ये कैसे है? अरे ये क्या हो गया, ये है क्या, ये कला है कि क्या है? है मेरा मुन्ना जब जमा हो जाएगा देख लेना जोकर कहलाएगा। ओह माय गॉड, ये क्या था, चेहरे पे ऐसी भयंकर नक्काशी, मुझे उस कलाकार से मिलना है जिसने ये भयंकर वाली कला की है। और ये क्या है, ATV ऑल ट्रेन व्हीकल, फुल फॉर्म तो ये होता है, मतलब जितना मेरे को स्कूल में पढ़ा उसके हिसाब से। दोस्तों ये खास तरह की एम्यूनेशन, ओहो एम्यूनेशन में हम जा रहे हैं, हम खरीदेंगे बहुत सारा माल और लगा देंगे हर जगह आग। दोस्तों ये ऑल ट्रेन व्हीकल को काबू करना एक मुश्किल काम है। ये बेसिकली एक स्कूटर ही होता है लेकिन इसके चार पहिए होते हैं, इस वजह से ये किसी भी ट्रेन पर चल सकता है, पहाड़ों पर भी। इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है। और ये मिल गया स्नाइपर, इसको तो मैं अपग्रेड करूंगा, इसमें मतलब कमाल का स्कोप भी लगाऊंगा, एडवांस स्कोप के साथ आ रहा है, सप्रेसर भी है। वो तेरी लकी लॉटरी, राउंड खरीदो भैया, 84,000 रुपए मुझे आपके सही देख रही है तेरी, तो ये तो बंदा बड़ा अमीर है, मानना पड़ेगा भाई, $84,000, ओहो कमाल है, अब तक का सबसे ज्यादा अमीर बंदा है भैया, मान गए मैं इसको। मतलब माइकल भी से ज्यादा अमीर नहीं है, नहीं लेकिन उसने जो पिछले मिशन में जो चोरी की थी $5 million वाली, उसके बाद तो काबू काफी अमीर हो गया है। हाँ मैं गलत हूँ, उस चोरी के बाद अब सबसे ज्यादा अमीर माइकल है। भैया थोड़े पीछे हैं ट्रेवर भैया, लेकिन जो शुरुआत हुई थी ना, तो शुरुआत में किसी के पास इतना पैसा नहीं था जितना पास ट्रेवर के पास है। मतलब शक्ल से लगता है भिखमंगा भिखारी टाइप का, लेकिन बंदा बड़ा अमीर है। हाँ जाहिर सी बात है, दो नंबर के धंधे में बड़ा पैसा है, कोई दो नंबर के धंधे से तो इतना सब कुछ कमाया इसने, ड्रग्स हथियार लड़की, सॉरी लड़की नहीं, अपने ड्राइवर भैया दलाली नहीं करते, बस कुछ और करते हैं लड़की के साथ, समझ जाओ बस बात को, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो अपने भैया टावर पे चढ़ गए और सामने से क्या ट्रेन जा रही है, मानना पड़ेगा। वैसे इस बार में तो कोई शक नहीं दोस्तों, इस गेम के ग्राफिक्स बहुत कमाल के हैं और बहुत जल्दी सुबह से शाम भी हो गई, क्या बात है। अपने ट्रेवर भैया हाथ में स्नाइपर लेकर एकदम तैनात हो गए हैं, और ये जो उनका साथी था उसको फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि हमारा मिशन जो है उसको फॉलो करने का ही है, वो हमारे लिए कुछ करेगा और हम उसे बैकअप देंगे। कमाल की बात है, चलिए देखते हैं कि हमें उसे बैकअप क्यों देना है, मिशन क्या है। बेसिकली जो लोग उनके घर में घुसे थे, ये क्या, मेरे पहला स्नाइपर किल, हेडशॉट मारूंगा मैं, और अरे यार चूक गया, नहीं 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 नहीं, हेडशॉट है, अरे एक और चूक गया, अरे हेडशॉट, मेरा हेडशॉट, अरे एक और चूक गया, मेरा हेडशॉट, अरे अब तो कोई भी शॉट लग गया, अरे लग जा, अरे नहीं, अरे मैं हार जाऊंगा आखिरकार, अरे भैया बहुत मुश्किल से एक शॉट लगा है, और ये सारी लाइट से मुझे बुझानी होगी वरना उसकी लाश दिख जाएगी, फिर लोगों को शक हो जाएगा। लाइट तो बड़ा तगड़ा इंसान है मेरा, ये फाट फाट फाट, ओके ये बंदा आया गाड़ी लेके। अच्छा आप मुझे इस गाड़ी वाले को मारना है, इस गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा है और मैं इसे अंदर बैठे बैठे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं बैठे बैठे मार दिया तो हॉर्न बज जाएगा और मेरा मिशन फेल हो जाएगा। ये क्या, ये क्या, उसने देख लिया, उसने उसको देख लिया, ये भी गया, ये भी गया, खैर मैंने एक गोली और मिस कर दी थी, ये बाहर बंदा आ गया, इसको तो मैं हेडशॉट पक्का मारूंगा, ये हेडशॉट, ये हो ना बात, कमाल है।
इसको मैं ऐसे मारूंगा, ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये खड़ा हो गया, ये एक और कमाल हो गया, ये एक और बंदा आया, अरे लग जा, अरे ये दिख गया, अरे पूरा बिखेर दिया उसका, मेरा दीवार पे छपा हुआ है, क्या बात है। अब और कहां से आ रहा कोई, पांच बंदों को मारने के बाद ये छठा बंदा, ये भी गया, और कोई, ये सातवां बंदा, इसको तो कभी मार दूंगा, ये भी गया। ओके अब अपना बंदा वहां तक पहुंच चुका है, बेसिकली उसे इस जगह पर बॉम्ब लगाना है दोस्तों, वो बॉम्ब प्लांट करेगा और मैं उसे बैकअप करूंगा ताकि कोई इसके रास्ते में ना आए, कोई उसको पकड़े नहीं। ओ तेरी, बाइक पर बैठा एक बंदा और आ गया, इसको ठोकना दोस्तों, ए भाई हाय हाय क्या बात है, क्या निशाना है मेरा। तो अब कोई नहीं बता दोस्तों जो, अरे ये हेलीकॉप्टर वाला पास आ गया, अरे यार हेलीकॉप्टर गोली चलाऊं क्या, गिरेगा क्या मेरे से गोली से, मेरे लगता है पायलट को मारना चाहिए, पायलट ये वो रहा, वो रहा एक शॉट, अरे वाह क्या बात है, आए हाय मर जावा गुड़ खाके, क्या बात है, एक राउंड और हेलीकॉप्टर डाउन, क्या बात, मजा आ गया दोस्तों। अब अपन बंदूक निकाल के आ, मैं सामने की लड़ाई लड़ेंगे, कौन भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ ये सब मशीन गन ठीक रहेगी, वैसे तो मुझे लगता है क्लोज कॉम्बैट के लिए अपनी शॉट गन ठीक रहेगी, बहुत सारे लोग उस तरफ हैं तो मेरे को उस तरफ छिपना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने कवर ले लिया है, देखता हूँ ये गया एक, और अभी तीन चार बंदे और है, वो भी गया ना, पता नहीं चलता, पता है क्योंकि लोग ना एक दो वही लगे तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं गया, हाय हाय अब मर गया, अभी कोई और है क्या अंदर, हाँ उधर दो लोग और जिंदा है, मुझे दिख नहीं रहा है अभी कोई कहाँ है, मुझे कवर लेना चाहिए, मेरा हेल्थ बहुत कम है, कुछ गोलियाँ और लगी तो मैं मर जाऊँगा, मेरे को ये मिशन पूरा करना है, और अभी मेरा वो बंदा अंदर इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे सबको मारना होगा, वो लोग कहाँ हैं, बोरे, ये गया एक, वहाँ पर सिर्फ दो लोग और, ये गया दो, अरे नहीं वो बंदा था, मरा नहीं था बस, अरे यार गोलियाँ वेस्ट हो रही हैं, और लाइन से तीन बंदे आने वाले हैं मेरे गोली का शिकार होने, ये ट्रिपलेट, ये सिकड़ी, ये इन्हें तो मैं ही मारूंगा, ये एक और आ गया, एक और बस आने वाला है सामने मेरे नक्शे को मुताबिक, तो सामने आने चाहिए, ओहो जो भागना होगा दोस्तों ताकि मुझे सही निशाना मिल सके, बच गया, एक दो थ्री तीन, अरे नहीं नहीं मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई मेरी हेल्थ, अरे नहीं यार, अरे आखिरकार हेल्थ वापस से मुझे मिल गई है, इतनी काफ़ी है सब लोगों को मारने के लिए, वैसे ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ऊंचाई का फ़ायदा होता है, मैंने फिल्मों में देखा था, कई बार सुना भी था ऊंचाई का फ़ायदा होता है, लेकिन आज सच में देख लिया मैंने ऊपर ऊंचाई पे जाके, और नीचे कूदने से मेरी हेल्थ खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, अब अच्छा अंदर ये था प्लेन की पंखे पे लेट गया अपना बंदा, अरे हाय पंखे पे लेट के निशाना लगाएंगे मजा आ जाएगा, अब अच्छा उस तरफ भी दो तीन बंदे हैं, अरे नहीं नहीं मर जाना नहीं है, मरना नहीं है भैया, अरे मर जाऊंगा, अरे वो ए हा क्या धमाका करने का अपना आधा की बजाय, बाइक वाले को भी मार दिया, ये गाड़ी वाले को ही मारूंगा, गार्ड ये हाँ गोलियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, अनलिमिटेड मार कर रहा हूँ, फायरिंग मत नहीं करनी, फायरिंग बिल्कुल नहीं रोक रही है, वरना फिर मैं मार खाऊंगा और प्लेन भी टेक ऑफ नहीं होगा, और बेकार में सारा मिशन बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों को मार के, भाई साहब इस कैरेक्टर ने बहुत खून बहाया है, मान कर क्या बात है, छलांग लगा ली, अच्छा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये प्लेन चुराने का था, अच्छा अब ये बंदा भी प्लेन उड़ाएगा, दोनों प्लेन चुराने हैं अपने को यहाँ से, भगाओ, ये बात मैं बताना भूल गया था, क्या मैंने नहीं बताई, ये जो अपना बताया ड्राइवर, ये बेसिकली सबसे ज्यादा स्किल, सबसे ज्यादा समझी भी है लेकिन सबसे ज्यादा स्किल है, क्योंकि ये कमांड का फायदा कुछ ना हेलीकॉप्टर एयरप्लेन एलियन शिप मिलेगी तो वो भी है ना उसकी भी, तो अभी हमें प्लेन उड़ाकर अपने सेफ हाउस पर जाना है, सेफ हाउस मतलब वो गोदाम जो कि ट्रैवल का है, जहाँ पर वो लोग ये प्लेन को रखेंगे, उसके बारे में ट्रैवल और उसके गुर्गे को पता होगा, गुर्गा बंदा राइट हैंड और बहुत सकते हैं, चेहरा भी किया इसी बहाने मेरी जो फ्लाइंग स्किल्स है वो भी टेस्ट हो जाएंगे,
मेरी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो तो कुछ खास अच्छी है नहीं, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है, लेकिन फ्लाइंग स्किल्स देखते हैं कितनी अच्छी है। और ये मैंने ये स्पीड कम हो रही शायद, नहीं नहीं स्पीड ठीक है, स्पीड ठीक है, मुझे उसे फॉलो करना है, उससे आगे नहीं निकल। सही है, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, वैसे हमें जाना कहाँ, हमें दिख नहीं रहा ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। फ्लाई एज लो, अच्छा डिटेक्शन को वो करने के लिए नीचे उड़ना होगा। इस प्लेन के अंदर कार्गो था, अपने ने सिर्फ प्लेन नहीं कार्गो भी लूट लिया और कार्गो को यहाँ लोड कर दिया बोर्ड के पास। और अब हमें रेस लगानी है रॉन के साथ टू द एयर स्ट्रिप। ओहो क्या बात है, क्या बात, ये तो कमाल की बात है। अब लगाऊंगा मैं रेस, अब मेरी फ्लाइंग स्किल्स का होगा इम्तहान। लो रहते हुए मुझे रॉन को हराना होगा, लेकिन लो क्यों रहना। अच्छा हाँ समझ याद आ गया, यहाँ बगल में मतलब राइट हैंड की तरफ एक बहुत बड़ा एयर बेस है, एयरफोर्स, इसलिए उनके डिटेक्शन से बचने के लिए लो उड़ते हुए नदी के रास्ते साथ साथ चलते हुए हमें बाहर निकलना होगा, उनकी रेंज से बाहर जाना होगा। उसके बाद फिर हम हाई उड़ सकते हैं। पहाड़ों में वैसे भी बहुत सारा क्लटर होता है, क्लटर जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि रडार जब पहाड़ों पर काम करता है तो बहुत सारी ऐसे तरंगें पहाड़ों से ग्राफ उसके पास वापस आती हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती और फालतू कुछ रडार का एनर्जी वेस्ट करती होती है, तो उसे क्लटर बोलते हैं। तो यहाँ पहाड़ों की तरफ बहुत सारा क्लटर हो सकता है, इस वजह से अपन पहाड़ों पर लो नहीं उड़ेंगे, लेकिन जो एयरबेस के पास अपने को लो उड़ना होगा। अभी भी हम एयरबेस की रेंज में हैं, हम ज़्यादा हाई नहीं जा सकते, लेकिन अपना एयर स्ट्रिप आ चुका है तो हमको डी एक्सेलरेट करके लैंडिंग करनी होगी। किसी भी प्लेन की फ्लाइंग स्किल्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होती है लैंडिंग, मैं बता नहीं सकता कि कितना मुश्किल काम है दोस्तों। तो अपन अभी लैंडिंग शुरू कर रहे हैं, लैंडिंग स्ट्रिप, अरे नहीं एयर स्ट्रिप को मैं चूक गया। आखिरकार लैंडिंग का ब्रेक मारो, और ये मैं टकरा ये मैंने मारा है बैक एंड, और ये मैंने मारा रिवर्स गियर, क्या बात है। ठीक है दोस्तों, मिशन यहाँ खत्म हुआ, हमने दोनों प्लेन चुरा लिए, ट्रेवर ने बहुत सारे लोगों को मारा, मतलब बहुत ही ज्यादा खून खराबा कर दिया इसने, जैसे कि मैंने कहा था सनकी आदमी है, सनकी हरकतें करता है, मगर कमाल का बंदा है। इसके साथ बैंग बैंग करने में बड़ा मजा आता है, मतलब वो वाला बैंग बैंग, वो वाला हालांकि गहराइयों में ही जाते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में जाके ऑल के घंटे को जोर से दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा बताइए, इसे शेयर कर दीजिए, इसे फैला दीजिए चारों ओर। सो